और जो डीसी चुनाव हुए हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया, और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिक कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके। साथियों, मैं अनिल मसीह जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रेसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। और मैं एक और आपको फैक्ट बताना चाहता हूं, जब भी काउंटिंग के दौरान कोई भी इलेक्शन एजेंट पार्टी का ऑब्जेक्शन रेस करता है तो उस ऑब्जेक्शन को डिप्टी कमिश्नर और वहां पर बैठे जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके उसका हल किया जाता है। आज पूरे सदन में हंगामा चल रहा था, लोग आपत्ति दर्ज कर रहे थे, प्रिसाइडिंग अफसर के कंडक्ट पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन प्रिसाइडिंग अफसर इलेक्शन कराते रहे, काउंटिंग करते रहे, और जैसे ही बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने घोषित किया बतौर विजेता, उसके बाद जितने भी बैलेट पेपर थे काउंटिंग के उन्हें जल्द से जल्द हटाकर एक कमरे में लॉक कर दिया गया।